सुप्रभात। जैसा कि विगत दिन क्लास में हम पढ़े थे कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे। पक्षी खुले गगन में उड़ करके खुशी का अनुभव करते हैं, ना कि सोने के पिंजरा में बंद कर। यह भावना व्यक्त करती है हमारी स्वतंत्रता के प्रति, कि व्यक्ति स्वतंत्र हो करके कितने अपनी गति में उड़ान भर सकते हैं, कितने अपने कार्य में निखार रख सकते हैं। तो अभी आप छोटे बच्चे हैं, इसका अर्थ गलत ना समझ लें कि हर व्यक्ति को अगर स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, किसी पे अंकुश न रखा जाए, तो उसका जीवन अनुशासनहीन हो जाएगा। कहने का अर्थ यह नहीं है, कहने का अर्थ यह है कि हम अनुशासित जीवन में जीकर स्वतंत्रता का अनुभव करें। यह तभी संभव है जब हम कार्य को सही रूप से करेंगे। पंछी यह भाव व्यक्त कर रहा है कि हम नदी का बहता जल पीने वाले पक्षी हैं, यानी मुझे क्षमता के अनुसार कार्य करने की जो शैली है मेरी, वह निरंतर हमें गति प्रदान करती है। मुझे कोई पानी लेकर नहीं देता है, मुझे खाना कोई परोस कर नहीं देता है, मेरे पंखों में कोई उड़ान भरने नहीं आता है, लेकिन मैं अपने कार्य को कितनी निरंतर गति से करता हूँ, इससे मनुष्य सीख ले। ऐसा नहीं कि स्वतंत्र होकर के मनुष्य गलत कर बैठे। कहने का अर्थ यह है कि हम सोने के पिंजरा में बंद कर कनक कटोरी की मैदा में, यानी सोने की कटोरी में मैदा घोल करके मुझे कोई खाना दे, तो वह मुझे अच्छा नहीं लगता है। उससे कहीं अच्छा मुझे नीम का कड़वा फल लगता है। कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति जब अपने मनोनुकूल कार्य करके उसमें सफलता प्राप्त कर लेते हैं, और उससे अर्जित किया हुआ धन जब अपने ऊपर खर्च करते हैं, अपने कार्य में लगाते हैं, तो उसे बहुत अच्छा अनुभव होता है। और वही व्यक्ति जब किसी के पास बिना कार्य किए हुए गिड़गिड़ाकर अपने हौसला को पस्त कर किसी के पास हाथ फैलाकर कुछ मांगते हैं, तो अच्छा नहीं लगता। कहने का मतलब यह है कि हम पंछी उन्मुक्त गगन कर बिजरवध ना गा पाएंगे, कि हम जब कोई अपने स्वतंत्र रूप से कार्य न कर किसी के बंधे बंधाए कार्य को भी सही से न कर उनके पास जब हम बंध जाते हैं, तो हमारा जीवन कोई निरंतर कार्य करने के लायक नहीं होता है, और उस कार्य में कोई निखार भी नहीं हो पाते हैं। पंछी यह भाव व्यक्त जो किया है कि मैं नील गगन की सीमा को लांघना चाहता हूँ, यानी एक छोटी पक्षी जिसमें यह भाव छिपा हुआ है कि जब तक मेरी सांसें तनती है, मैं अपनी गति में उड़ान भरता रहूँगा, और जब तक मुझे नील गगन की सीमा न मिल जाए, मैं रुक नहीं सकता हूँ, अपना प्रयास रोक नहीं सकता हूँ। यानी मनुष्य को भी अपने जीवन में निरंतर लगातार प्रयास करते रहना चाहिए, जब तक कि उसे सफलता न मिल जाए। इसमें एक भाव और छिपा हुआ है कि नीर न दो चाहे टहनी को, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हो तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। मानव यह मनुष्य को संकेत दिया है कि भले ही हमें तुम वो सहारा मत दो, कोई धन देकर कोई पद देकर तुम्हें वह सहारा मत दो, लेकिन
मेरी जो क्षमता है, मेरी जो कार्य शैली है, इसमें तुम बाधा मत डालो, तब मैं अपनी कार्य में निखार ला सकता हूँ। पक्षी उस गति को मापना चाहता है। जब आप कभी देखते होंगे ऊंचाई पर चढ़ के, तो आपको लगता होगा कि जमीन और आसमान कहीं मिल रहा है। उस स्थान को क्षितिज कहा जाता है, उस स्थिति को क्षितिज कहा जाता है जहाँ जमीन और आसमान का नज़ारा लग रहा है कि दोनों आपस में मिल रहे हैं। वास्तव में वो मिलता नहीं है। गगन तो शून्य है, वह सीमाहीन है, लेकिन पक्षी इतना हौसला बुलंद कर लेता है कि वह उसको पाना चाहता है। मानव को संकेत दे रहा है कि आपके अंदर कितनी क्षमता भरी हुई है, यह आपको पता नहीं चलेगा जब तक कि आप कार्य में अपनी निरंतरता न दिखाएंगे। अगर हम कोई कार्य करके थोड़ा देर करते हैं, थक हार के बैठ जाते हैं, तो वह वहीं शिथिल पड़ जाता है। कोई बड़े वैज्ञानिक का उदाहरण लें, अगर एक कार्य को सफल करने के लिए उसको कितने वर्षों तक निरंतर प्रयास करना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार यह पक्षी हमें संकेत देता है कि जिस प्रकार हम जमीन और आसमान के मिलन की खोज में अपने सांसों को तानते रहते हैं, खींचते रहते हैं और अपनी गति में उड़ान भरते रहते हैं, रे मानव, तुम भी अपने कार्य को अनंत मत समझो। कार्य की अनंतता नहीं है। कार्य जिस मनुष्य की क्षमता है, उसमें कभी गतिहीनता नहीं प्रतीत होती है। हमारे मन मस्तिष्क थक जाते हैं, फिर हम अपने साहस के द्वारा, अपने कार्य के द्वारा, अपनी क्षमता के द्वारा निरंतर लगने का प्रयास करते हैं। वही व्यक्ति सफलता प्राप्त कर सकते हैं जो व्यक्ति अपने कार्य में निरंतर लगे रहते हैं। एक छोटे से पक्षियों से मानव की तुलना करना यह एक कोड़ी कल्पना ही कही जा सकती है। हमारे सामने एक छोटी पक्षी सुबह जग करके हमें यह संदेश देती है कि प्रातः हो गया, सवेरा हो गया, मैं काम में लग गया। मानव को इससे सीख लेनी चाहिए, प्रातः सुबह वेला का आनंद जब एक पक्षी लेती है, वह गुनगुनाती है, वह कुहकती है, वह हमें सीख देती है कि तुम भी कार्य में लग जाओ। पक्षी की व्यथा है कि भले ही मुझे कोई आश्रय ना दे, लेकिन मुझ में जो क्षमता है उसमें कोई विघ्न ना डाले। पक्षी यह भाव व्यक्त करता है कि हम नदी का बहता जल पीने वाले हैं, हम नींव के निवौरी करवी निवौरी को खाने वाले हैं, मुझे वैसी ज़िंदगी पसंद नहीं है कि सोने के पिंजरे में बंद कर मुझे अगर कोई मैदा सोने की कटोरी में घोल कर देता है, तो वहाँ मैं प्रतंत्रता महसूस करती हूँ, वह खाना मुझे पसंद नहीं है। इस भाव को व्यक्त करते हुए पक्षी में यह संदेश देता है कि अपनी कार्य को हमें स्वतंत्रता और स्वाधीनता का अनुभव करते हुए करना चाहिए। यह नहीं कि हम स्वतंत्रता का मतलब यह समझ लें कि हम पे किसी का अंकुश ना हो, अनुशासन ना हो, तब तो हमारे जीवन का कोई महत्व ही नहीं होगा। प्रकृति भी अनुशासित होकर कार्य करती है। सुबह होते ही पक्षी को कोई कहने जाता है कि तुम जगो, मानव के सामने चहाने के लिए आंगन में शोर मचाओ, नहीं, पक्षी अपने दायित्व को पूर्ण रूपेण निभाती है। तभी तो वह संकेत देती है कि मेरे आश्रय को तुम छिन्न भिन्न कर डालो, तुम मुझे घोंसला मत बना के दो। पेड़ की ऊंची टहनी पर जो मानव उसकी घोंसला को
बनाते नहीं हैं, वो खुद बनाता है। अगर कोई व्यक्ति उस घोंसले को छिन्न-भिन्न कर देता है तो भी वह उसकी परवाह न करता है। वह चाहता है कि हमारे पंखों में जो उड़ान की गति है उसमें कोई विघ्न न डालो। मैं अपने साहस के बल उस सीमा को लांघ लूँगा जहाँ जमीन और आसमान का मिलन हमें एक क्षितिज के रूप में होता है। पक्षी वहाँ तक अपने सांसों को तानने की कोशिश करती है, वह अपना साहस नहीं खोती है। मानव को यह संकेत दिलाते हुए यह भाव व्यक्त किया है कि आकाश सीमाहीन है, उसकी कोई सीमा नहीं है। मैं वहाँ तक की छलांग लगाना चाहती हूँ, वहाँ तक की उड़ान भरना चाहता हूँ। तो मानव, तुम में तुम्हारी अंदर जो क्षमता है, तुम्हारी अंदर जो कार्य करने की शैली है, उसे तुम अपने साहस के बदौलत निखारो, दिखाओ कि तुम कितना कर सकते हो। अगर तुम अथक प्रयास नहीं करते हो तो तुम्हारी कार्य की क्षमता जो है वहीं दबी रह जाती है। इस कविता के लिखने का भावार्थ यह भी है कि कबीर मानव को संकेत दिया है कि हमें अपने जीने के लिए अपने मन में साहस और धैर्य का सहारा लेना है। एक छोटी पक्षी किस तरह गीतों का गायन कर नील गगन में, जब रात में आकाश के तारे उसे अनार के दाने के समान लगते हैं और उसने अपने लाल होठों से वह चूगना चाहती है, जो कि एक कल्पनाहीन है। पक्षी उसे चूग नहीं सकते हैं, लेकिन उसकी कल्पना है कि मैं वहाँ तक के कार्य में सक्षम हूँ, अनंत की सीमा को खोज सकता हूँ। तो मानव, तुम अपने कार्य में शिथिलता मत दिखाओ, तुम्हारे पास तो अथाह शक्ति है। तुम अपने शक्ति को आप प्रयोग, अपनी क्षमता का प्रयोग कर कहाँ तक जा सकते हो, इसमें कोई प्रयास करने से मत चूको। कभी यह छोटी सी कविता के माध्यम से हमें यह संकेत देना चाह रहे हैं कि एक छोटी पक्षी जब अपने कार्य में इतनी सुघरता दिखाती है, सुशीलता दिखाती है, साहस दिखाती है, तो मानव को इससे सीख लेना चाहिए कि हम तो पक्षियों से कहीं इस आधुनिक युग में प्रवेश कर गए हैं जहाँ हर कुछ की सुविधाएं हैं। तो इसका हम सही प्रयोग करते हैं तो वास्तव में हम ऊंचाई को छू सकते हैं। एक न एक दिन हम अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित करने में सक्षम हो सकते हैं। अपने मन को हताश और निराश होने से रोकें कि हम यह कार्य को न कर सकते हैं। इसीलिए एक छोटी सी कविता के माध्यम से कवि ने यह भाव व्यक्त किया है कि हमें अगर स्वतंत्र हो करके कार्य करने के लिए छोड़ दिया जाए तो हमारी कार्य में निखार आएगी। इसका यह अर्थ न समझ लें कि हम स्वतंत्रता का गलत प्रयोग कर बैठे। स्वतंत्रता का मतलब है अपनी कार्य शैली के द्वारा अपने आप को निर्भय साबित करना। किसी से हम संकुचित भावना से ग्रसित न होकर कार्य करें ताकि हमारी भावना वहाँ कलुषित हो जाए, हमारी कार्य में शिथिलता पड़ जाए और हमारा साहस खो बैठे। अतः इस कविता के माध्यम से यह बताना चाह रही हूँ कि अभी बच्चों में कार्य करने की अटूट क्षमता है। बच्चे अपने कार्य को सही दिशा निर्देश के अनुसार अगर करते हैं तो वह उस ऊंचाई को छू सकते हैं जो इस कविता में पक्षी ने कल्पना कर दिखाया है।
कविता का भावार्थ से आप बहुत कुछ सीख गए होंगे। और इसका जो लघुत्तरीय प्रश्न है ये तो स्वतः आपसे बन जाएगा, मुझे विश्वास है। और जो दीर्घोत्तरीय प्रश्न है इसे भी खुद आपको बनाना है। आपका आकलन मैं तभी कर पाऊंगी कि आप इससे कहाँ तक सीखे हैं, जब आप स्वयं से प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। तो मुझे विश्वास है कि आप अपने कार्य में सही से अपने मेहनत का प्रयोग करें। धन्यवाद।